हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप? मैं हूँ वजी और आप देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चने की दाल और कद्दू की सब्ज़ी। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह का पैन लिया, हमने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसको अच्छी तरह भून लें। इसमें से ज़ीरे की भूनने की खुशबू आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 1 अदद प्याज। अब हम प्याज को थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं से ब्राउन कर लेंगे। जैसा कि प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून चॉप की हुई। हम इसको 1 मिनट तक भुनेंगे जब तक इसमें लहसुन और अदरक की खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दू 1/2 केजी कद्दू है। जैसा कि हर मुसलमान जानता है कि कद्दू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम 5 मिनट इस तरह इसको पका के आपसे मिलते हैं। हमें पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं। अब टमाटर को हम इसमें 1 मिनट पकाएंगे। हमें टमाटर पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही और कुछ स्पाइसेस। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। इनको डाल के हम इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च डालकर हम इसे 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे मीडियम आंच पर, इसमें से पानी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें से पानी ख़त्म हो गया है और अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे। हमें भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने 1 कप चने की दाल ली और उसको बॉईल कर लिया। अब हम इन दोनों को, कद्दू और दाल को, 1 मिनट भूनेंगे।
हमने इसे एक मिनट भून लिया है। अब हम इसमें तकरीबन हम इसमें एक कप पानी डालकर ढांप के रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हमारा सालन रेडी हो गया पक के। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के हम इसको मिक्स करके हमने इसको मिक्स कर दिया। इसमें डालेंगे हरा धनिया और हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। हमने इसके ऊपर कुछ गार्निश के लिए डाला और कुछ सब्ज़ मिर्च। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।